बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। और मैं नुसरत जावेद। भाईजान, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसकी एक मेंबर है शरीर रहमान, हमारी दोस्त भी है हमारी। बिल्कुल ठीक है। तो आज कुछ सिफारिशात भेजी गई हैं कौम इस्लामती कमेटी ने, तो उस पर उनके साथ बात करते हैं। तो बीबी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीर बीबी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत, वालेकुम मिन्हास। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो आप लोगों ने ये जो सारी सिफारिशात भेजी हैं शेरी बीबी, जी जी हम दोस्त भी हैं ना थोड़े से, बिल्कुल हल्के से। मैं तो जागी भी हूँ कम से कम, आप शायद सोए हैं। नहीं, मैं बहुत जाग रहा हूँ। अच्छा बताओ ये कि देर इज अ थिंग अबाउट विच इज वर्केबल। अब आप कह रहे हैं कि ड्रोन हमले ना हो, कैसे अच्छा, ना हो बैतुल्लाह महसूद को, आप कह रहे हैं एक हकीकत को पहचान लें और उसे तस्लीम करें, आपका कहना ये है? हाँ। जी भैया ठीक है ना। हाँ। तो मैं जरा सा वजाहत ये कर दूं कि कमेटी ने अपना काम, नुसरत जावेद मिन्हास तो बोला ही नहीं बेचारा। जी जी मैं सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि कमेटी ने अपना काम समझा, अपना दायरे कार ये समझा कि वो एक सिचुएशन है जो वो मिलजुल के कुछ अच्छा, मेरे भाई दोस्तों की तरह बात करे ना। मैं दोस्तों और आप तो बात कर रही हूँ, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रही हूँ जी। पहले मैं और आप दोनों सहाफी हैं, आप तो चली गई ना वो पॉलिटिक्स में पड़ गई है। कहाँ चली गई, अभी आप जब मर्जी आती है आप सहाफी वाला बटन दबा देते हैं जब मर्जी आती है। मरियाना बाबर भी साथ है हमारे, उसके लफ्ज सुन लें कुछ। जी जी जी। हाँ मरियाना, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम नुसरत। तीन बातें हैं नुसरत। एक तो पहले मैं मुश्ताक को मुबारकबाद दूँ, इनकी जो एक खूबसूरत दोस्ती है शहबाज शरीफ के साथ। इतने ये अभी एरोगेंट हो गए हैं कि इस दफा जब इन्होंने इलेक्शन करवाए, इन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई मरियाना बाबर का भी वोट है, हम जाके जरा कैंपेन करें, वोट डालें। ये इतने प्राउड हो गए हैं कि अभी हमारी नहीं। अच्छा मरियाना, मैं बिल्कुल माजरत खाऊं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके ऊपर तो आपको तो आपसे तो वोट मांगना ही नहीं चाहिए। आप